वेलकम बैक टू माई चैनल। एक्चुअली ये वीडियो बहुत पहले का है, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मुझे और भी थोड़े बहुत काम थे, तो इसकी वजह से मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा था इस वीडियो को एडिट करने के लिए। आज मैंने काफ़ी टाइम के बाद जो है ये वीडियो को एडिट किया है। हम थोड़ा बच्चों को लेके बाहर कहीं घूमने के लिए गए थे हम थोड़ा सा इन्हें घुमाने के लिए कुछ और, लेकिन रास्ते में हमें ये जगह दिखी और यहाँ पे क्या एक्चुअली गारमेंट का सेल का बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ था, तो हमने सोचा चलो यहाँ पे देखते हैं कि क्या सेल है। लेकिन जैसे अंदर आए तो इस प्लेस में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑडिटोरियम है। यहाँ पे क्या सब जगह चीज़ें दिखाई जाती हैं, सन के बारे में, मून के बारे में, हमारे कितने प्लैनेट्स हैं, मतलब तो ये सब कुछ जो बताया जाता है, तो ये अच्छा लगा। तो हमने कहा चलो बच्चे थोड़ा सा सीखेंगे, उनको थोड़ा बहुत तो पता ही है, थोड़ा बहुत और उनको देखने से ज़्यादा पता चलेगा। तो हम यहाँ पर आ गए थे, बहुत अच्छा लग रहा था, ये बहुत अच्छी जगह थी। तो बच्चों को यहाँ से देखा, यहाँ एस्ट्रोनॉट का भी एक थोड़ा सा जो स्टैचू सा रखा हुआ था, तो मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे शूट किया क्योंकि ज़्यादा शूटिंग अलाउड नहीं थी, तो थोड़ा बहुत ही मैं कर पाई। तो बच्चों को यहाँ देख के बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि आउटिंग के लिए क्या इतना टाइम नहीं मिलता बच्चों को बाहर लेके कहीं जाए, लेकिन जब जाते तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता। यहाँ पे हम लेट हो रहे थे, पीछे जो फिल्म दिखाई जाती है एक घंटे की एक फिल्म होती है जो दिखाई जाती है, तो उसके लिए हम लेट हो रहे थे, तो सबने कहा कि इस साइड से आपको जाना है, तो हम भागते हुए सब जा रहे थे। तो बस इसके अंदर एक हॉल सा है, उसके अंदर आपको दिखाया जाता है, ये देखिए इस टाइप में। देखिए ऐसा ये पूरा एक छोटे से हॉल सा बना हुआ होता है, ऊपर की तरफ जो व्हाइट आप देख रहे हैं यहाँ पे ये स्क्रीन है, इस पे जो मतलब जो पूरी जो फिल्म है, शॉर्ट फिल्म है एक घंटे की, वो दिखाई जाती है। सारे प्लैनेट्स के बारे में बताया जाता है, पूरा पास्ट कैसे था, कैसे थे, देखते थे प्लैनेट, वो सब बताया जाता है। फिर हम बाहर आ गए थे, बाहर आने के बाद यहाँ पे भी सारे पिक्चर्स वगैरह बनी हुई थी, स्कूल के बच्चे क्या सब आए हुए थे विजिट करने के लिए। यहाँ पे क्या बच्चों के भी जो विजिट्स होते हैं, अलग अलग स्कूल से बच्चे आते हैं देखने के लिए। तो यहाँ पे देखो ये मिरर जो है अलग अलग टाइप के, थोड़े शॉर्ट में, लॉन्ग में आप अपने को देख सकते हैं, कैसे देखो फनी थोड़े मिरर्स लगे हुए थे, बच्चे बहुत खुश हो रहे थे इसको देख के। तो बस अब वो जो शो था एक घंटे का, जो शॉर्ट फिल्म थी, उसको देख के हम बाहर निकल रहे थे। तो जैसे जैसे बाहर आ रहे थे तो ये बड़ा बड़ा से एक बोर्ड लगे हुए थे, कुछ चीज़ें बनी हुई थी, तो बच्चों को बहुत अट्रैक्शन हो रहा था, वो देख रहे थे। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स मैंने क्लिक करी, कुछ हम देख रहे थे मूविंग मतलब था कुछ रेडार जैसा, तो ये बच्चे देख रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे देख के। तो जो वहाँ पे लिखा हुआ था सब पढ़ के मैंने बता रही थी, छोटे हैं अभी इतना कुछ समझ तो नहीं आ रही थी, बट ये कि वो उन्हें पता था कि क्या है कुछ, तो वो एंजॉय कर रहे थे इसको। फिर हम बाहर आ गए थे वहाँ पे, तो ये सब वहाँ पे लगा हुआ था सेल की तरह। तो हम बस सिर्फ जल्दी जल्दी देख रहे थे, विंडो शॉपिंग ही कर रहे थे, इतना कुछ खास नहीं था कुछ बाय करने के लिए। तो बच्चों को अच्छा लग रहा था ये सब देखना, तो जस्ट उनको मैं दिखा रही थी कि ये देखो ये सब जो है कांच से बने हुए हैं, कांच के ये सारे बर्तन हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। सेरेमिक जो है सारे बोल्स कप्स सेरेमिक के बने हुए थे, बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग थी इनके ऊपर। फिर एक किचन के आर्टिकल्स थे, किचन के सारे गैजेट्स थे। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, देन उसके बाद बच्चों को भूख लग रही थी, तो यहाँ पे कैफ़े भी था और यही ऑडिटोरियम का कॉफी कैफ़े, तो हम वहाँ पर गए। तो वहाँ पे बच्चों ने थोड़ा मील इन्जॉय किया क्योंकि दोपहर का समय हो गया था, भूख भी लग रही थी, खाने का टाइम हो ही गया था। तो बस हम लोग यहाँ पे गए, बच्चों को क्या बहुत टाइम से मन था पिज़्ज़ा खाने के लिए, तो इनके पापा पहले ही वहाँ पे जाके देख के आए थे, तो उन्हें अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा चलो बच्चों को यही पिज़्ज़ा खिला देते हैं। हमारा है ड्रिंक, ये तुम्हारा है, अरे है इनका।
तो खाना खाने के बाद हम लोग बाहर की तरफ जा रहे थे, तो तब हमने देखा था कि सेल किस तरफ लगी हुई है। तो यहाँ पे एक बड़ा सा हॉल था जिसके अंदर सब गारमेंट्स की सेल लगी हुई थी। बच्चों के कपड़े थे, बड़ों के कपड़े थे, जेंट्स लेडीज़ बैग्स वैग्स सब थे यहाँ पे, शूज़। तो बस हम लोग गए, एक्सप्लोर किया, हमने देखा, कुछ थोड़े अच्छे भी थे, कुछ थोड़े बहुत ज़्यादा ही बड़े थे। तो जो भी हमें लगा ठीक, हमने थोड़ा बहुत बाय किया यहाँ से। बच्चों ने देखा, बच्चे अपने लिए भी खुद देख रहे थे हमारे लिए कपड़े क्या हैं यहाँ पर। तो अच्छा लग रहा था, बच्चे जैसे बड़े होते हैं, बाहर निकलते हैं, देखते हैं चीज़ों को, तो खुद करने की कोशिश करते हैं। तो बस यही छोटा सा हमारा एक ब्लॉग था, तो बस हमने यहीं पर थोड़ा बहुत शॉपिंग करी। तो यहाँ पे हमारी जो है शॉपिंग डन हो गई थी, तो हम बाहर आ गए थे। तो यहाँ पे क्या कि जो हमने कार्ट में चीज़ें डाली थी उसको हम बैग में डलवा रहे थे। तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे ये सब काम कर रहे थे, तो बच्चे बैठे थे, थक गए थे घूम घूम के। तो मैं उनके थोड़े जस्ट उनको रिलैक्स कर रही थी उनके साथ, उनको मैंने कहा चलो थोड़े थोड़े पिक्चर्स हम खींच लेते हैं। यहाँ पे अच्छा बैकग्राउंड था, बहुत अच्छी जगह थी घूमने के लिए, खुली खुली लग रही थी और काफ़ी कुछ था एक ही जगह पे घूमने के लिए। तो ये एक बड़ी सी बिल्डिंग थी यहाँ पे, ये क्या है मुझे कुछ पता, कुछ आइडिया नहीं था। तो बस अच्छा लग रहा था, सभी यहाँ पे पिक्चर्स खिंचवा रहे थे इसके आगे, इस बिल्डिंग के आगे खड़े होके। पार्क भी बहुत अच्छा था, बड़ा था। तो यहाँ पे जैसे ही बैग में इन्होंने डलवा दिया था, तो ये हम अपने जो है घर से जो बैग लेके आए थे उसको हम कलेक्ट करने के लिए जा रहे थे। तो मैंने कहा जब तक पापा बैग में डलवा रही हैं चीज़ें, तो चलो मैं तुम्हारे पिक्चर्स खींच लेती हूँ। तो यहाँ पे बहुत अच्छा गार्डन था, लेकिन क्या गार्डन में जाना अलाउड नहीं था, नहीं तो गार्डन में जाके भी मैं इनकी पिक्चर्स खींचती। तो यहाँ पे देखिए और भी जो हैं पिक्चर्स खिंचवा रहे थे, क्योंकि बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा था, वाकई में लग रहा था कि हाँ यहाँ पे खड़े होके जो है हम अपनी मेमोरीज़ को जो है कलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी एक यादें ही होती हैं ये सब तस्वीरें, ये जो व्लॉग बन रहे हैं, जो हम पिक्चर्स लेते हैं, ये सब एक यादें ही हैं। जब बच्चे बड़े होंगे तो देखेंगे कि हम हाँ यहाँ पे हम घूमने के लिए गए थे, यहाँ पे हमने ये देखा था। तो सब जब हम छोटे थे तो होता है ना, यादें इकट्ठी कर रहे हैं, आपको भी दिखा रहे हैं साथ साथ। तो बस यहाँ पे उसके बाद हम बाहर निकले थे यहाँ से, वहाँ पे बच्चों को बैलून दिख गए, कुछ अलग टाइप के बैलून थे, कुछ मतलब उसके ऊपर ना एक करेक्टर था, उस करेक्टर के बैलून उन्होंने उसमें से दो तीन दो लिए थे अपने लिए। तो आप लास्ट में देखिए कौन से करेक्टर थे, बहुत अच्छा मतलब बच्चों के लिए बैलून्स थे, वो बड़े बड़े से बैलून्स थे। तो चलिए यहाँ पे मैं व्लॉग को एंड कर रही हूँ, आप देखिए एंजॉय करिए। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, लाइक करिए, वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपनों के साथ, उनको भी दिखाइए जयपुर जो है सिटी कैसी है। तो चलिए फिर एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी। बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ध्यान रखिए।